नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली न्यूज़ नेशन में। महाराष्ट्र में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों पर अंकुश बनाने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने एक नया कानून पास करा दिया है। जी हां, ये पहली बार उद्धव ठाकरे द्वारा उठाया गया एक सराहनीय कदम है, क्योंकि उनके लिए रेप, हत्या और मासूम लोगों की जान लेना ये तो आम बात है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं बीजेपी की जीत की लहर से देखा जा रहा, क्योंकि अभी तक जब से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार बनी है तब से उनकी बेइज्जती ही होती नज़र आ रही है। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने ये कदम उठाया और उसके बाद उन्होंने एक नया कानून बना दिया। बता दूं, जघन्य अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक विधेयक को मसौदे का मंजूरी दे दी गई है, जिसमें दोषियों के लिए मृत्युदंड, आजीवन कारावास और भारी जुर्माना सहित कड़ी सजा के और मुकदमे की त्वरित सुनवाई का प्रावधान जारी हुआ है। बता दूं आपको, प्रस्तावित कानून में राज्य में लागू करने के लिए विधेयक के मसौदे में भांसा, सीआरपीसी और यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण, पास्को अधिनियम और पारंगरित धाराओं में संशोधन करने का प्रस्ताव है। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि मंत्रिमंडल में यहां एक बैठक में विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी गई है, उसे आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान राज्य विधानमंडल के पेश किया जाएगा। विधानमंडल को दी गई दिवसीय शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से मुंबई में शुरू भी हो रहा है। बता दूं, उन्होंने कहा है कि विधेयक विधानमंडल के दोनों सदनों में चर्चा और अनुमोदन के लिए आएगा। इसे कानून का रूप न लेने के जगह शक्ति अधिनियम कहा जाएगा। देशमुख ने कहा कि इसमें 19 दिनों के भीतर किसी मामले की जांच पूरी करने और 30 दिन के भीतर सुनवाई का प्रावधान किया जा चुका है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा कैबिनेट की बैठक के लिए लिए गए फैसले, बता दूँ आपको, सामान्य प्रशासन सेवा विभाग के तहत कैबिनेट में आगामी सत्र में 2018-2019 की महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट की तालिका को मंजूरी दे दी गई है। मनरेगा योजना के संयोजन में महाराष्ट्र सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के लिए एक राज्य योजना के रूप में शरद पवार ग्राम समृद्ध योजना को भी लागू करेगी। बता दूँ, कोल्हापुर में DVI पाटिल एग्रीकल्चर एंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के नाम से इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र 2020 की स्थापना से संबोधित विधेयक भी पारित किया जाएगा और एक सेल्फ स्पोर्टिंग यूनिवर्सिटी बनाने की मंजूरी भी दे दी गई है। इससे पिछले हफ्ते मंत्रिमंडल जात आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों और नाम बदलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई थी। कैबिनेट मंत्री जिस तरह से असलम शेख ने कहा कि वन जाति आधारित उपनिवेशों और ब्रिटिश शासन के दौरान संपावित गया था लोगों को विभाजित करने के लिए, और अब देश में एक और समाज सेवा करने वाले लोगों का उनका नाम बदलने का निर्णय लिया गया है। इस बीच सरकार के फैसले जो सरकार द्वारा लिए गए हैं, महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र इस बार मुंबई के बजाय नागपुर में होगा और वहीं पर ये बड़े बड़े नियमों को भी पास किया जाएगा। जिस तरह से आपको बता दें, लगातार उद्धव ठाकरे किसी भी नियम और कानून की बात करें या फिर बात करें किसी और चीज़ की, तो लगातार उद्धव ठाकरे वो कृत्य करते चले आए हैं, जिससे कि हमेशा देश की संप्रभुता और अखंडता को चोट ही पहुंची है। क्योंकि जब से उद्धव ठाकरे ने अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी कराई, कंगना रनौत का घर गिरवाया और साधु संतों की हत्या कराई, और जब से कहें कि इनकी सरकार बनी है तब से इनके मुंह पर तमाचा ही लगता चला आ रहा है, ये हमेशा मुँह की ही खाते चले आए। इसीलिए कुछ अच्छा करने के लिए आज उद्धव ठाकरे ने ये कानून लाया है और उस पर सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की है। हम ज़रूर उद्धव ठाकरे के कारनामे पर आवाज़ उठाते हैं, लेकिन अगर कोई चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो, अगर उसके कारनामे अच्छे होते हैं तो उसका सपोर्ट करना बनता है और उसकी इस कार्रवाई पर
ज़रूर सराहना करनी होती। और हम तो ये चाहते हैं कि पूरे भारत में ऐसा ही कानून लागू हो, क्योंकि नाबालिग बच्चियों और लगातार आए रेप केस से घटनाएं जो हमको सुनने को मिलती हैं, अगर 15 दिन के अंदर उस पर कार्रवाई होती है तो ज़रूर इन सब कारनामे पर रोक लगेगी। और जो लोग उत्साहित होते हैं ये सब करने के लिए, जब उनको चोट पहुंचेगी, जब उनके ऊपर भारी जुर्माना लगेगा, आजीवन कारावास, मृत्युदंड जैसी ये नियम लागू हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनको चोट पहुंचेगी और वो ऐसी जघन्य अपराध नहीं करेंगे। तो आज पाकिस्तान ने भी एक नया कानून बनाया है जिसमें बलात्कारियों को सीधे फांसी। तो उसके बाद भारत में भी इसका असर देखा गया है। भारत में सबसे पहला राष्ट्र महाराष्ट्र बन चुका है जिसने आज ये कानून पास कराया। उसके बाद देखना है कि किन किन राज्यों में ये कानून पास होते हैं, क्योंकि आज के समय और आने वाले समय को देखते हुए अगर अभी से रोक ना लगाया गया इन जैसी घटनाओं को, तो रोज़ाना हमको सबसे पहले खबरों में यही खबर देखने को मिलेंगी। इसीलिए इन खबरों को ना देखने के लिए अभी से ही सरकार को सख्त होना पड़ेगा और नए कानून बनाना पड़ेगा, ताकि इन जैसे उपद्रवियों का, रेपिस्टों का सही ढंग से इलाज किया जा सके। लेकिन वहीं पर कुछ लोग हैं जो इस कानून को शायद नापसंद करें। वो लोग हैं जो हमेशा रोज़ाना ऐसी जघन्य घटनाएं करते हैं, रोज़ाना ऐसे कृत्य करते हैं, जिनकी वजह से वो मीडिया चैनलों में आते हैं, टीवी चैनलों में आते हैं, कवरेज होता है। वो ये चाहते हैं कि दिस इज़ ए मनोरंजन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये फ़न का ज़माना नहीं, बल्कि एक रूल एंड रेगुलेशन का ज़माना होना चाहिए। जब तक नियम और कानून अच्छे नहीं होंगे, तब तक ऐसे ही लोग कानून के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे और देश की बहन बेटियों के साथ ऐसे ही उनकी इज्जत उतारते रहेंगे। इसीलिए सरकार को ये कदम उठाना बेहद ज़रूरी है। जब तक सरकार ये कदम सही तरीके से नहीं उठाती, तब तक हमें नहीं लगता है कि इस कानून का कोई सख्त मकसद होगा। क्योंकि कानून पास कराना बड़ी बात नहीं होती, उस कानून पे काम भी करना सबसे बड़ी बात होती है। अगर उद्धव ठाकरे ने आज ये कानून पास किया है, तो उस पर काम भी उन्हें करना पड़ेगा। और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं शिवसैनिकों में ज़्यादा आक्रोश होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा खेल अगर महाराष्ट्र में कोई खेल रहा है तो वो शिवसैनिक ही खेल रहे हैं। तो सबसे पहले उद्धव ठाकरे को अपनी टीम को समझाना होगा, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझाना बताना होगा, ताकि वो ऐसा कृत्य ना करें। बाकी आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो को शेयर करेंगे तो सच और सच्चाई दुनिया के सामने होगी। बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज़ मैगजीन द न्यूज़ ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक।